हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली संबंधी जो न्यूज अखबारों में दिया है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की अखबार में हेडलाइन दिया है 3000 से अधिक पदों पर बहाली में फंसा पेच। 3000 से अधिक पदों पर बहाली में फंसा पेच। मेधा सूची सर, हम लोग औराई से आ रहे हैं, कटरा भी गए थे, प्रखंड से लेकर पंचायत नियोजन इकाई तक का चक्कर काट लिए, मगर वहां सूची तो दूर कोई सूचना भी नहीं। यह मुजफ्फरपुर का है, अखबार में दिया है। कार्यालय में आने पर बताया गया था कि वेबसाइट पर 1 जनवरी से देखने को मिल जाएगा, मगर यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुवार को 1-2 नहीं बल्कि 11 प्रखंडों से चक्कर काटकर मुजफ्फरपुर लौटे अभ्यर्थियों की व्यथा एक जैसी है। यहां पे हेडलाइन दिया है कि मेधा सूची न दारत, समय सीमा खत्म, महज 5 प्रखंडों ने ही जारी की मेधा सूची। समय सीमा खत्म, महज 5 प्रखंडों ने जारी की मेधा सूची। विभाग का आदेश था मेधा सूची नहीं देने पर नहीं होगी बहाली। 11 प्रखंडों में अब तक जारी नहीं की गई मेधा सूची। यहाँ मुजफ्फरपुर का है, यहाँ के 11 प्रखंडों में अभी तक मेधा सूची जारी नहीं की गई। 5 प्रखंडों में ही नियोजन इकाई का काम पूरा हुआ है। अभी सेवा रिक्तियाँ वर्ग 1 से 5 में सामान्य शिक्षक की 3144 है और उर्दू शिक्षक की 797 है। वर्ग 6 से 8 में हिंदी के 172, संस्कृत में 142 और अंग्रेजी में 77 और उर्दू में 104, गणित विज्ञान में 12 सीट है। ज़िले में, यहाँ पर दिया है, ज़िले में 3000 से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली में नियोजन इकाइयों की मनमानी ने अभ्यर्थियों की उम्मीदों को ग्रहण लगा दिया है। देखिए, जिन प्रखंड में अधिक रिक्तियां हैं वहां नहीं जारी हुई मेधा सूची। जिन प्रखंडों में अधिक रिक्तियां थी वहां की मेधा सूची अभी जारी नहीं हुई है। शिक्षक बहाली में जिन प्रखंड में अधिक रिक्ति हैं वहां मेधा सूची जारी नहीं की गई है। कटरा, औराई, पारू, साहेबगंज जैसे प्रखंड और वहाँ के पंचायत नियोजन इकाई में भी अधिक रिक्ति है। वर्ग 1 से 5 में औराई में 265 रिक्तियाँ हैं, वहीं साहेबगंज में 316 और पारू में 311 रिक्तियाँ। अधिक रिक्ति होने के कारण यहाँ अभ्यर्थी घालमेल का आरोप भी लगा रहे हैं। यहाँ पर दिया है, नियोजन इकाइयों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए अलग अलग रिक्तियाँ हैं। वर्ग 1 से 5 में सामान्य के लिए यहाँ जैसे मुरैला में 120 सकरा, इसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 वर्ग 1 से 5 में उर्दू शिक्षक के लिए, उर्दू शिक्षक का है, और 3 वर्ग 6 से 8 का है हिंदी के लिए, इस प्रखंडों में इतनी सीट है। और चौथा 6 से 8 वर्ग में अंग्रेजी के लिए है, और 5वां वर्ग 6 से 8 में संस्कृत के लिए, और 6ठा वर्ग 6 से 8 में उर्दू शिक्षक के लिए दिया गया है। तो इसे आप पूरा अंदर देख सकते हैं जूम करके। एक और न्यूज़ दिया है दैनिक भास्कर में, वहीं मुजफ्फरपुर का है। दैनिक भास्कर का न्यूज है, अवबंधित मेधा सूची का प्रकाशन नहीं करने वाली नियोजन इकाइयों को रिपोर्ट जाएगी निदेशालय। तय सीमा पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए सूची जारी नहीं करने पर हुई कार्रवाई। यहाँ पर दिया है, जिले में 6ठे चरण के तहत होने वाले शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाली नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए इसका रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश की अनदेखी के बाद यह एक्शन लिया गया है। अब तक जिले में आधे से अधिक प्रखंडों में अवबंधित मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है। आगे कह दिया है, DPO स्थापना अबू सलाम अंसारी ने बताया कि इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में सभी इकाइयों को पत्र भेजकर हर हाल में 1 जनवरी तक अवबंधित मेधा सूची का प्रकाशन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सभी ने इसका पालन नहीं किया। उल्लेखनीय है कि जिले में प्राथमिक स्कूलों में 4,806 सीटों पर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होनी है और इसके लिए लगभग 2
2.5 लाख आवेदन आए हुए हैं। सोचिए 4,806 सीटों के लिए 2,05,000 आवेदन आए हुए हैं और आई में मेधा सूची के प्रकाशन में अभी और लग सकता है 1 सप्ताह का समय। यहाँ पर और आई का दिया शिक्षक नियोजन के लिए प्रखंड में कुल 1 से 5 तक के कुल 130 सामान्य शिक्षक पद के लिए और 7,334 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 1 से 5 के लिए 130 सामान्य शिक्षक का पद है जिसके आवेदन 7,334 प्राप्त हुए हैं। दूसरी और 6 से 8 कक्षा के लिए 34 रिक्त पदों के विरुद्ध 2,300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उर्दू शिक्षक के लिए 27 पद के लिए 407 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त हो चुके आवेदनों की एंट्री का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार पंचायतों में भी विभिन्न नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची बनाने का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार 26 पंचायत में 1 से 5 तक के लिए कुल 261 पद रिक्त हैं जिसके विरुद्ध लगभग 2,000 आवेदन आए हैं। पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक कुल आवेदनों की वास्तविक रिपोर्ट नहीं दी गई है। 1 जनवरी तक मेधा सूची के प्रकाशन की समय सीमा निर्धारित थी लेकिन आवेदन की अधिक संख्या होने को लेकर विलंब हुआ है। आज से 17 जनवरी तक अभ्यर्थी कर सकेंगे दावा व आपत्ति। देखिए यहाँ पर दिया है, डीपीओ स्थापना ने बताया कि जिन प्रखंडों और नियोजन इकाइयों में अवबंधित मेधा सूची का प्रकाशन किया जा चुका है वहाँ शुक्रवार से अभ्यर्थी दावा आपत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 17 जनवरी तक चलेगी, इसके बाद अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन होगा। उन्होंने बताया कि नियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिले की 385 पंचायतों में 1-1 शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि समय पर इसकी प्रक्रिया को पूरी की जा सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत